हेलो एवरीवन टेक्नोलॉजी के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है इन इंडिया डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स डी आर लीगली वैलिड एंड रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट टू हैंड रिटन सिग्नेचर्स अंडर आईटी एक्ट 2000 सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कब आया था 2000 में आया था और आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग टू के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है जो आप हाथ से सिग्नेचर आप करते हो ना वही इक्वेलेंट होगा जो डिजिटल सिग्नेचर होगा सर्टिफिकेट वो भी इक्वली वैलिड होगा तो आपका पास डिजिटल डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है तो उससे भी काम चल जाएगा क्योंकि ऐसा होता है कि हर जगह हम लोग पॉसिबली फिजिकली नहीं जा सकते तो बहुत सारी चीज़ें डिजिटली करनी पड़ती हैं तो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स आर लीगली वैलिड एंड रिकोगग्नाइज एज इक्विवेलेंट टू हैंड रिटर्न सिग्नेचर्स अंडर आईटी एक्ट 2000 क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है इट इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउज़ यूजर्स टू एक्सेस एंड यूज़ कंप्यूटिंग रिसोसेज सच एज स्टोरेज सर्वर्स एप्लीकेशन एंड डेटा बेसिस ओवर द इंटरनेट विदाउट हैविंग टू मैनेज दैम डायरेक्टली क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो यूज़र को ये अलाउ करता है कि वो कहीं से भी दुनिया के कोने में किसी भी कोने में रह करके आप एक्सेस कर सकते हो कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो और कंप्यूटिंग रिसोर्सेज में क्या आ जाएंगे जैसे स्टोरेज आ जाएगा सर्वेज सर्वर आ जाएगा एप्लीकेशन हो जाएगा डेटा आ जाएगा इंटरनेट से आप कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हो जैसे आप यूज करते हो ना गूगल क्लाउड यूज करते हो वन ड्राइव यूज़ करते हो ठीक है आईबीएम वेब सर्विसेज है Azure है तो ये सब क्लाउड कंप्यूटिंग के एग्जाम्पल्स हैं जो इसको हमको डायरेक्टली मैनेज नहीं करता, करना पड़ता ऑलरेडी बना हुआ है उसको बस यूज करना होता है एज कंप्यूटिंग क्या होता है इट रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ डेटा हैंडलिंग एक्टिविटीज और अदर नेटवर्क ऑपरेशंस Away from centralized and always connected network segments such as Dropbox, Gmail. एंड टूव इंडिविजुअल सोसेज ऑफ़ डेटा कैप्चर सचैज़ लैपटॉप एंड टैबलेट्स बोल रहा है इट रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ़ डेटा हैंडलिंग एक्टिविटीज़ जो डेटा हैंडलिंग एक्टिविटीज़ हैं या फिर अदर नेटवर्क ऑपरेशन हैं जो कि अवे है सेंट्रलाइज्ड पोर्शन से ठीक है अवे फ्राम द सेंट्रलाइज एंड ऑलवेज कनेक्टेड नेटवर्क सेगमेंट्स सच एज़ ड्रॉप बॉक्स जी मेल एंड टूवर्ड्स इंडिविजुअल सोर्सेज ऑफ डेटा कैप्चर सचैज़ लैपटॉप एंड टैबलेट्स तो आप जैसे ड्रॉप बॉक्स यूज करते हो तो ड्रॉप बॉक्स में क्या होता है कि आप लैपटॉप में कुछ डाउड हो गए ऑटोमेटिकली वो जो भी उससे साइन इन करेगा वो उसको एक्सेस कर पाएगा जी मेल करोगे तो ये सब एज एज कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग है है का मतलब मूवमेंट ऑफ डेटा हैंडलिंग एक्टिविटीज़ सो इट रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ डेटा हैंडलिंग एक्टिविटीज़ और अदर नेटवर्क ऑपरेशन अवे फ्रॉम द सेंट्रलाइज एंड ऑलवेज कनेक्टेड नेटवर्क सेगमेंट सच एज ड्रॉप बॉक्स और जी मेल एंड टूवर्ड्स इंडिविजुअल सोर्सेज ऑफ डेटा कैप्चर सच एज लैपटॉप्स और टैबलेट्स लैपटॉप्स और टैबलेट्स आप एक्सेस uh, कर सकते हो इट इज अ टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग दैट डिफर्स इन द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स टू प्रोसेस इन्फॉर्मेशन द डेटा इज एनाइज इन रियल टाइम क्लोज टू वेयर इट इज स्टोर्ड एंड विदाउट लेटेंसी तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग से थोड़ा सा डिफरेंट एक तरह का क्लाउड कंप्यूटिंग ही है और बस अंतर ये होता है कि टाइम में फर्क पड़ता है ये थोड़ा फास्ट होता है जैसे मैंने बोला कि कंप्यूटर में कोई फाइल को इधर से उधर ट्रांसफर होल्डर के डालते हो ना और फिर क्लाउड में जैसे गूगल क्लाउड में थोड़ा टाइम लगता है अपडेट लगता है तो वही चीज एज कंप्यूटिंग का ड्रॉप बॉक्स किसका एक्जाम्पल हो गया एज कंप्यूटिंग का एग्जाम्पल हो वो भी एक तरह का क्लाउड कंप्यूटिंग है मेघराज किसको बोलते हैं इट इज़ अ क्लाउड कंप्यूटिंग इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेघराज जो है ना ये एक क्लाउड कंप्यूटिंग इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंड इट इज़ अ सेट ऑफ डिस्क्रीट क्लाउड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट्स स्प्रेड अक्रॉस मल्टीपल लोकेशन बिल्ड ऑन एग्जिस्टिंग और न्यू ऑगमेंटेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉलोइंग अ सेट ऑफ कॉमन प्रोटोकॉल्स गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड्स इशूड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्लाउड कंप्यूटिंग इनिशिएटिव है जो एक डिस्क्रीट क्लाउड कंप्यूटिंग एन्वायरमेंट पे बना हुआ है और मल्टीपल लोकेशन पे स्प्रेडेड है और बिल्ड किया हुआ है एग्जिस्टिंग और ऑगमेंटेड इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो कि एक सेट ऑफ कॉमन प्रोटोकॉल्स गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किए हैं उसको फॉलो करता है समझ में आ तो रही आप करते हैं इन इंडिया डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स डी एस सीज आर लीगली वैलड एंड रिकग्नाइज्ड एज इक्वलेंट टू हैंड रिटन सिग्नेचर्स अंडर आई टी एक्ट टू थाउजेंड क्या बात सही है ये क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है इट इज़ अ टेक्नोलॉजी दट अलाउज यूजर्स टू एक्सेस एंड यूज कंप्यूटिंग रिसोर्सेस सच एस स्टोरेज सर्वर्स एप्लीकेशन एंड डेटा बेसिस ओवर द इंटरनेट विदाउट हैविंग टू मैनेज दम डायरेक्टली इसको डायरेक्टली मैनेज नहीं करना पड़ता एग्जाम्पल जैसे गूगल क्लाउड आई बी एम क्लाउड अमेजन वेब सर्विसे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एज कंप्यूटिंग इट रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ डेटा हंडलिंग एक्टिविटीज और अदर नेटवर्क ऑपरेशन Away from the centralized and always connected network segments such as Dropbox, Gmail, and towards individual sources of data capture such as laptops and tablets. It is a type of cloud computing that refers in the amount of time it takes to process information. The data is analyzed in real time close to where it is stored and without latency. Meghraj kya It is a cloud computing initiative of the Government of India. It is a set of discrete cloud computing environments spread across multiple locations built on existing or new augmented infrastructure following a set of common protocols, guidelines and standards issued by Government of India. Milti hain aap video.